हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में, जिसे IDE भी बोलते हैं। उसके बेसिक फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया था और उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज दोस्तों, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जावा के लिटरेचर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज दोस्तों, हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। हमारे जावा लैंग्वेज के जितने भी बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, जो जावा लैंग्वेज की हमारी डिक्शनरी है, जो भी हम जावा का कोड लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉमन टर्म्स यूज होते हैं, आज हम उस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा जावा प्रोग्रामिंग में कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स, जैसे आपको पता ही है, कमेंट्स पास करना, यानी कि रिमार्क, यानी कि वो फंक्शनैलिटी जो वो जावा का कोड हमारा दे पा रहा है उसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखना, इसे ही कमेंट्स बोलते हैं। जब भी हम अपना जावा का प्रोग्राम या कोड लिखते हैं तो उसमें हमें कमेंट्स ज़रूर लिखने चाहिए। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिना कमेंट्स के हमारा जावा का प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा या बनेगा नहीं, वो हो जाएगा। बट कमेंट्स लिखना एक अच्छी हैबिट है। इससे क्या होता है कि जब भी हम अपना कोड या प्रोग्राम किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन को पास ऑन करते हैं तो वो कमेंट्स पढ़ के ईजिली समझ सकता है कि हमारे जावा के कोड की फंक्शनैलिटी क्या है। यहाँ पर दोस्तों, हम कमेंट्स किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, बट इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कोड को समझ सकें और उसमें इंगेज हो सकें। और दोस्तों, जब भी हमारा जावा का कोड कंपाइल होता है तो कंपाइलर सारे कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। तो इसका आप ये समझिए कि अगर आपने काफ़ी सारे कमेंट्स लिख दिए तो आप ये मत समझना कि आपके प्रोग्राम की मेमोरी काफ़ी बढ़ जाएगी। जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइलर कंपाइल करेगा तो वो सारे के सारे कमेंट्स को इग्नोर कर देगा। अब दोस्तों, जावा लैंग्वेज में तीन तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, जिससे पता चल रहा है कि आप एक लाइन में ही अपना पूरा कमेंट लिख सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट, अगर आपका एक लाइन में कमेंट नहीं आ पा रहा तो आप मल्टी लाइन में लिखते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, अगर आपको जावा डॉक, जब मैंने आपको IDE समझाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जावा के जब HTML पेजेस हम बनाते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं वो ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट की मदद से ही बनते हैं। अगर आपको सिंगल कमेंट लिखना है तो आप देख सकते हैं कि आपको दो बार फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है और उसके बाद आप अपनी लाइन लिख सकते हैं कमेंट की। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आपको एक बार फॉरवर्ड स्लैश, फिर एस्टरिस्क, फिर आपको जो भी आपकी लाइन है वो आप लिखते जाते हैं और इसको एंड करते हैं रिवर्स प्रोसेस में, यानी कि पहले एस्टरिस्क या स्टार आएगा और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। और डॉक्यूमेंटेशन में बस थोड़ा सा फ़र्क है, वही सिंटेक्स का फ़र्क है। आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर दो बार स्टार या एस्टरिस्क, फिर आप लिखना शुरू कर देंगे और हर लाइन पे स्टार्टिंग में आपको एस्टरिस्क या स्टार लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपसे बात करता हूँ वाइट स्पेस के बारे में। वाइट स्पेस यानी कि सिंपल नॉर्मल स्पेस, जो आप स्पेस बार से देते हैं या जो टैब बटन प्रेस करके आप देते हैं, ये दोस्तों ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है ताकि आपका कोड जो है वो ज़्यादा कंस्ट्रेंट ना लगे, दिखने में ऐसा ना लगे कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आपको हमेशा अच्छी खासी स्पेस देनी चाहिए आपके वेरिएबल्स के बीच में, आपके स्टेटमेंट के बीच में, या जो भी वर्ड्स आप टाइप करते हैं कोड में। इससे एक तो हमारा कोड ह्यूमन रीडेबल बनता है बहुत अच्छा, और दूसरा काफ़ी नीट लगता है दिखने में। जावा में दोस्तों तीन तरह की वाइट स्पेस होती है, स्पेस जो स्पेस बार से होता है, टैब जो टैब बटन से होता है, और न्यू लाइन, अगर आप कोई नई लाइन, आपने कोई एक स्टेटमेंट लिखी फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट नई लाइन से लिखी, तो ये तीन तरह की वाइट स्पेस होती है। आइडेंटिफायर्स, जब भी दोस्तों हम अपने क्लास का नाम या वेरिएबल का नाम या किसी मेथड का नाम हम देते हैं तो वो आइडेंटिफायर बोलते हैं उसे। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करना। मैंने दोस्तों आपको जब जावा का बेसिक कोड लिख के बताया था तो मैंने उसमें हमारी क्लास का नाम एग्जाम्पल लिया था, तो वो जो एग्जाम्पल नाम मैंने लिया वो एक आइडेंटिफायर ही है। इस आइडेंटिफायर को लिखने के भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे आइडेंटिफायर के नाम आप चाहो तो अपर केस लेटर्स या लोअर केस लेटर्स में लिख सकते हैं, और उसके बाद आप कोई नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। स्पेशल करेक्टर्स में सिर्फ आप दो ही स्पेशल करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, या तो डॉलर साइन या अंडरस्कोर साइन, इसके अलावा आप कोई भी और स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आइडेंटिफायर जो भी है कभी भी नंबर से शुरू नहीं होता, हमेशा वो एक अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, आप उसके बाद नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर। और हाँ दोस्तों, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर आप अपर केस में कोई अपना नाम लिखते हैं फिर आप लोअर केस में नाम लिखते हैं आपका सेम नाम, तो वो दो अलग अलग आइडेंटिफायर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ है चार अलग अलग तरीकों से। मैंने यहाँ पर फर्स्ट अपना नाम लिखा हुआ है प्योर अपर केस लेटर्स में, फिर मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ मैंने अपना नाम लोअर केस लेटर्स में लिखा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने फर्स्ट करेक्टर अपर केस में लिखा है, बाकी सारे लोअर केस में, और यहाँ मैंने ऑल्टरनेटिंग अपर केस में
मैंने लिखा हुआ है अपना नाम, तो ये चारों के चारों अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं, ये एक नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे एरर्स सिर्फ इसी वजह से आ जाते हैं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा, और लोग सोचते हैं कि हमने सेम ही नाम लिखा है, भले ही वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जावा के केस में फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ वैलिड और इनवैलिड एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे आपने सिंपल एक नाम लिखा, आपने नाम के बाद कुछ न्यूमेरिकल लिख दिए, आपने यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ करा है, आपने यहाँ डॉलर साइन यूज़ करा है, ये सब वैलिड है। अब मैं आपको इनवैलिड एग्जांपल बताऊँ, जैसे मैंने फर्स्ट स्पेस फर्स्ट कैरेक्टर मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले रखी है 4, ये गलत है। यहाँ पर मैंने माइनस साइन, यहाँ पर मैंने स्लैश, यहाँ पर मैंने पावर का साइन ले रखा है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड ही नहीं है, सिर्फ डॉलर साइन और अंडरस्कोर साइन बस। अब दोस्तों बात करते हैं लिटरल्स के बारे में। कोई भी अगर हमारी जावा के कोड में हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और वो वैल्यू कभी चेंज अगर नहीं होती है, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसे लिटरल बोलते हैं। चार तरह के लिटरल्स होते हैं जावा लैंग्वेज में, या तो इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, कैरेक्टर टाइप या स्ट्रिंग टाइप। इंटीजर में जैसे नाम पता चल रहा है, कोई भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 406, 90, 27। फ्लोटिंग पॉइंट में अगर हमें कोई डेसिमल पॉइंट यूज़ करना है, जैसे 101.2, 56.45, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर्स हैं, RUT, सिंगल कैरेक्टर। और आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, ये इसका लिखने का तरीका है, ये इसका सिंटैक्स है। आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह ओपनली नहीं लिख सकते, आपको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना ही पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ फाइनल है स्ट्रिंग, जहाँ पर आप अपनी पूरी लाइन या पूरा एक वर्ड लिखते हैं जो काफ़ी सारे कैरेक्टर से मिलके बनता है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इसका एक लिखने का तरीका, एक सिंटैक्स है, जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अगर इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम कैरेक्टर्स को मिला के लिखें तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो दोस्तों स्ट्रिंग कुछ नहीं है, एक कलेक्शन है कैरेक्टर्स का। अब दोस्तों बात करते हैं सेपरेटर्स के बारे में। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। दोस्तों सेपरेटर्स बहुत एक वैल्यू रखते हैं जावा लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में, और आपको बता दूं सबसे ज़्यादा एरर्स इन सेपरेटर्स की वजह से ही आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सेपरेटर होता क्या है। जैसे नाम से पता चल रहा है, ये सेपरेट करने के काम में आता है, या इसका मतलब कह सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है किसी दो एलिमेंट्स के बीच में। अब वो एलिमेंट क्लासेस भी हो सकती है, मेथड भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, लिटरल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जब मैं आपको इन सेपरेटर्स के बारे में बता दूंगा, जब भी आप इनको टाइप करें या लिखें तो ध्यान दें कि आप कोई गलती ना करें उसमें, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको सेपरेटर्स के टाइप बताता हूँ जो जावा लैंग्वेज में प्रोवाइडेड है। दोस्तों ये 6 तरह के सेपरेटर्स हैं, यहाँ पर मैंने इनके सिंबल बना रखे हैं, इनका नाम लिखा हुआ है और ये इनके यूजेस हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ पैरेंथेसिस के बारे में। इसके अंदर हम कोई भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई पैरामीटर हमें अगर रखना होता है, सेव करना होता है, तो हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। इन्हें दोस्तों ब्रेसिस बोलते हैं, और आपको मैंने बताया था जब भी हम क्लासेस या मेथड्स के कोड लिखते हैं तो उसको इन ब्रेसिस के अंदर ही डिफाइन करते हैं। फिर दोस्तों बात करता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के बारे में। ये एक डेटा टाइप होता है जिसे बोलते हैं अरे, ये उसको डिक्लेयर करने के काम में आता है। दोस्तों जब मैं आगे आपको अरे पढ़ाऊंगा तब ये ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे। सेमीकोलन यूज़ होता है दोस्तों एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। कॉमा यूज़ होता है दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी हमने आइडेंटिफायर बना रखे हैं उसके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, बताने के लिए कि ये दो अलग अलग है, एक नहीं है, वहाँ हम कॉमा यूज़ करते हैं। और दोस्तों फाइनली पीरियड, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेपरेटर है, ये काफ़ी महत्व रखता है जावा प्रोग्रामिंग में। इसी की मदद से हम लोग जितने भी हम लोग पैकेजेस बनाते हैं, या एक पैकेज के अंदर हम एक सब पैकेज बनाते हैं या क्लास बनाते हैं, वो ये पीरियड ही डिफरेंशिएट कर पाता है। अगर हम ये पीरियड यूज़ नहीं करेंगे तो हम पैकेज के अंदर के सब पैकेजेस या उनकी जो क्लासेस हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और ये दोस्तों फाइनली जावा कीवर्ड्स हैं। अब आपने यहाँ पर देखा होगा हम लोग जब भी कोड लिखने जा रहे हैं हम कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो मेन स्टेटमेंट होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड है ये जावा के रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। रिजर्व कीवर्ड का मतलब ये कि जावा ने इन वर्ड्स की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रखी है और हम इन वर्ड्स को किसी और जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम इनके वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो जावा ने टोटल 50 वर्ड्स को रिजर्व करके रखा हुआ है और हमें उन वर्ड्स को सिर्फ उनके वर्किंग के हिसाब से ही यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने वो 50 वर्ड्स आपके लिए एक टेबल में रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ वर्ड्स को ब्लू कलर में लिखा हुआ है, जो ये इसलिए लिखा है ताकि आप देख सकें कि इन वर्ड्स को तो आप पहले ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं जब हमने पैकेज बनाया था।
तो हमने पैकेज कीवर्ड को यूज़ करा था। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग अपनी क्लास बनाते हैं तो हम क्लास कीवर्ड को यूज़ करते हैं। जब हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। तो आप ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये सारे के सारे जावा कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स के हर एक कीवर्ड की अपनी वैल्यू है और इनको हम तब तब यूज़ करेंगे जब जब जैसे जैसे हमारे कोड्स आते जाएंगे। आप देखेंगे एक एक करके आप लगभग लगभग सारे ही कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। इसमें दोस्तों दो कीवर्ड्स हैं, एक गो टू और एक कहाँ गया, एक और दोस्तों कीवर्ड है कॉन्स्ट। ये दोस्तों आप देखेंगे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, वो किस लिए है वो हम लोग आके डिस्कस करेंगे। बट फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि जावा कीवर्ड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जावा प्रोग्रामिंग में और इनको हम इनके वर्किंग के हिसाब से ही यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़ को। दोस्तों इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी वीडियो का फॉलोअप होगा, एक कंटिन्यूशिप होगी। ये दोनों वीडियोस करने के बाद दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको जावा लैंग्वेज के लिटरेचर के बारे में बताया, जो मैं सेकंड वीडियो में और आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसका दोस्तों टोटल बंडल करके एक हम लोग कोड लिखेंगे जिसमें ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप ये वीडियो को अगर आपको ये समझ में ना आया तो इसको फिर से देखें और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको भी आप देखें। उसमें दोस्तों मैं आपको कोड भी लिख के दिखाऊंगा और जावा की जो बची कुची प्रीलिमिनरी नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।